दोस्तों आज दिल्ली के जंतर मंतर पे विशेष रूप से एक आंदोलन हुआ था, अनशन हुआ था। उस अनशन का क्या रिजल्ट निकल के सामने आया है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। कमांडर अशोक रावत जी लाइव आके ईपीएस 95 पेंशन धारकों के संबंध में क्या डिसीजन लिया गया है आज के पूरे आंदोलन में, उसी आंदोलन के डिसीजन के बारे में हम लोग जानेंगे। दोस्तों ये नज़ारा जो आप देख रहे हैं, जो सीन आप देख रहे हैं, ये सीन आपको दिल्ली जंतर मंतर का दिखाया जा रहा है, जहाँ पे ईपीएस 95 पेंशन धारकों के संबंध में राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, ताकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को उनके मन मुताबिक जो तो पेंशन राशि दी जा सके। आइए दोस्तों मिलते हैं कमांडर अशोक राव जी से लाइव, उन्होंने आके क्या ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बोला है उसी के बारे में जानते हैं कि कब तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि दी जाने लगेगी। आपने ये प्रेस वार्ता रखी है, इसका मूल उद्देश्य क्या है और कैसे इसको अंतिम चरण तक पहुंचाएंगे? देखिए, हम ईपीएस 95 के राष्ट्रीय संघर्ष समिति के पदाधिकारी लोग हैं। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत हूँ, हमारे मेरे साथ वीरेंद्र सिंह जी हमारे महासचिव है, राष्ट्रीय महासचिव रत्नागर जी है, यूपी के हमारे चीफ कोऑर्डिनेटर है शिव कुमार शर्मा जी, दिल्ली के चीफ कोऑर्डिनेटर है हमारे सिंह साहब जो दिल्ली के ज्येष्ठ नेता और कार्यकारिणी के मेंबर हैं, और यहाँ पर हमारे रमेश बहुगुणा जी जो राष्ट्रीय सचिव है, और आशा काले जी हमारे, आशा कांबळे जी हमारे दिल्ली के महिला नेता हैं। तो हम सब लोग मिलके यहाँ पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि हमने 7 साल से एक संघर्ष छेड़ा है। जो लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर से रिटायर हुए हैं उनको, उन्होंने हर महीने पेंशन को, पेंशन के लिए पैसे भरने के बावजूद हर महीने जो पैसे उन्होंने भरे उसका अगर वैल्यू देखी जाए तो तकरीबन 20 लाख रुपए सरकार के पास उनके बनते हैं। अब ये 20 लाख रुपयों के एवज में उनको सिर्फ मिलता है 1171 रुपया, और मज़े की बात यह है कि वो 20 लाख रुपये भी वापस नहीं होते, मतलब असल गया, सूद गया, और फिर इनको 1171 रुपये में 60 साल की उम्र के बाद ज़िंदगी बजर गुसर करने पर मजबूर कर किया जा रहा है उनके पैसे लेके। जबकि आपने देखा भारत में बाकी लोगों को जो पेंशनें मिलती है उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, चाहे वो वृद्धापकाल की पेंशन हो, पेंशन के खिलाफ तो हम नहीं, लेकिन बिना कॉन्ट्रीब्यूशन के MPs MLA को पेंशन मिलती बिना कॉन्ट्रीब्यूशन की 5-5 गुना। और आप बोलोगे तो चलो स्टार्ट हो जाओ, लड़ेंगे, लड़ेंगे।